आज का एपिसोड ना सच में तोड़फोड़ वाला एपिसोड है। अब अनुरोध के सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है और जहन को बचाने इसे जाने होगा कैसे भी करके, लाख मुसीबतों के बावजूद। और जो वीडियोस उसके हाथ में लगती है ना तेजस की, सच में इसके तो रातों की नींद भी उड़ा देती है। अब बात ऐसा होता है ना कि जब ये घर में होता है आरसी वो सारे सबूत लेकर आते थे ज्वेलरी स्टोर से कि वो रिंग झनक नहीं खरीदा था, तो अब ये सबको दिखा करके अनुरोध को गलत साबित कर देती है। उसका कहना ये होता है कि अगर तुमने ये गलती कर दिया है तो तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और रिंग को उतार करके फेंक दो। लेकिन वो झनक को जिसे यादें मानता है संभाल करके अपने पास रखना चाहता है। लेकिन सू भी एक उसको आइडिया देता है कि काम करो, मैं तुम्हें इससे भी बहुत महंगा रिंग ला करके दूंगा, तुम सच में ये उतार करके फेंक दो। लेकिन वो नहीं बोलता, वो बोलता है कि इसका पर्सनल मैटर है और ये झनक की यादों को संजो करके रखना चाहता है। ये किसी के कहने से वो रिंग को उतार करके नहीं फेंकने वाला। और ये आरसी ने इसे खरीद नहीं रखा है और बस शादी होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो बोलेगी मैं वही करूँगा, मेरा भी कुछ अर्सा है, मैं करना चाहता हूँ कुछ और मैं वो करूँगा ही करूँगा, मुझे इसकी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आरसी को लगता है कि ये तो तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो अब वो साफ से बोल देता है कि देखो इस रिंग को उतार करके फेंकना, और मैं अगर तुझसे बोल दूँ कि तुम अपना डांस भी छोड़ दो, कभी कभी तो रहे तो भी हो जाती है बीच में, लेकिन तो अब जब ये बोल देता है ना कि क्या तुम अपने डांस पैशन को छोड़ सकती हो अगर मैं तुम्हें बोल दूँ, तो वो बोलती कि भला क्यों, वो तो मेरा टैलेंट है, मैं उसे रखना चाहता हूँ, और ये तुम दोनों को एक साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो। ये भी बोल देता है कि नहीं कर सकता, ये गलती है, लेकिन एक बात याद रखो कि मैं तुम्हारे कहने भर से ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और प्लीज़ तुम आगे से ना इस सभी बातों का ध्यान रखो कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम जो बोलोगी वो मैं नहीं करूँगा, करना है तो करो शादी, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन एक बात याद रखो, अगर इस रिंग को ना उतारने से तुम शादी कैंसिल कर सकते हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बहुत ना भड़ भर के बेइज्जती करता है। और कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ करके आरसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम पिपासा होता है, वो तो रोकने का भी चाहती है कि नहीं आरसी तुम यहाँ से मत जाओ, तुम यहीं पे रुको, अनुरोध पागल हो चुका है, वो बेवकूफ बना रहा है सबको, वो तुम्हें धोखा दे रहा है तो क्या हुआ, लेकिन तुम अपना बदला लो। मन में उल्टी सीधी बातें भर देती है और बस यहाँ से अरसी गुस्से में निकल जाती है। लेकिन ये भी गुस्से के साथ बोलता है कि मैं जो क्लियर कर चुका हूँ मैं क्लियर कर चुका हूँ और ये मेरा कमिटमेंट है, एम आई क्लियर। अब ये बातें सुनने के बाद में सूप को लगता है कि ये मेरा लंडा गया, अब मैं इसको नहीं रुक सकता भाई, कसम से वो हाथ से निकल चुका है। और ये बहुत दुख में होता है बेचारा, कहीं ना कहीं अपने पुराने दिनों को याद करके ये परेशान हो रहा होता है कि झनक मुझसे दूर हो चुकी है, पता नहीं वो वापस आएगी या नहीं आएगी, तो फ़ोन करता उसको रात में जब वो ट्रेन में होती है। अब ये बोलता है कि झनक सब कुछ ठीक तो नहीं है। अब ये बातें जैसे वो सुनती है ना तो वो समझ जाती है कि ये रिंग को लेकर के फिर से तमाशा हो चुका है। ये बोलती है कि प्लीज़ आप उस रिंग को उतार दीजिए, वो आप अर्चित की रिंग जो देंगी वो पहन लीजिएगा। लेकिन ये बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारी यादें हैं मेरे पास में, वो प्यारी यादें जो हमने एक दूसरे के साथ बिताई थी, एक पल जो शायद अब वापस नहीं आने वाला है। तुम तो मुझे मिस भी नहीं करते होगे, तुम जा रही हो वहाँ खुश तो होगी ना बहुत तुम। ये बोलते कि हाँ खुश क्यों नहीं होंगी, वहाँ मेरा दोस्त है, मेरे परिवार जो मतलब नहीं है लेकिन फिलहाल आस पड़ोस के तो लोग हैं ना। तो अब ये बोलता है कि जहनक तुम मुझे याद नहीं करते, तो बोलते कि नहीं अब धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को भूल जाना ही बेहतर है, इसे बहुत बुरा लगता है। तो अब ये बोल देता है कि हाँ तुम तो अब राहुल को याद करते होगे, तो ये बोलते कि हाँ मैं तो करती हूँ, मैं तो कोलकाता जब थी तब से ही उसको याद करती हूँ, मेरा दोस्त है, खासम खास दोस्त, बेस्ट फ्रेंड है वो। अब ये बातें सुनने के बाद बहुत गुस्सा भी होता है कि झनक तुम मुझे ठुकरा रही हो और उससे अपना रही हो, और हमारे बीच जो हुआ तुम उन सभी चीज़ों को भूल जा रही हो। वो बोलती है कि जो मंदिर में हुआ था हम दोनों ने ही उस चीज़ को नकार दिया था, फिर एकाएक से आप ये सारी बातें कैसे कर रहे हैं। वो बोल देता है कि मैं उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम मेरी हो। वो फ़ोन काट देते, उसे लगता है कि नहीं अगर बातें ऐसी ज़्यादा होती रहेंगी तो फिर धोखा आरसी के साथ में किया जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा उसे लगेगा कि साथ मैंने धोखा दिया है। तो ये चाहते कि नहीं इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म करना ज़रूरी है, तो फ़ोन काटती है, फिर दोबारा करते हैं, तो इधर उधर की बातें करने लगती है, ऐसा ही माहौल बनता जाता है। और इस बात से कहीं ना कहीं अनुरोध बहुत बुरा लगता है उसको, तो दुखी भी होता है कि मैं आखिर झनक को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना था लेकिन मैं आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, ऐसा मानो जैसे कि मैं ऐसी जगह पर अटक चुका हूँ जहाँ से निकलना मेरे लिए लगभग नामुमकिन है। खैर बेचारा किस्मत को कोसता है और चला जाता है अपने कमरे में सोने के लिए, लेकिन वही झनक वो तो अपने कमरे में होता है सॉरी। और जब झनक ना वे ट्रेन से जैसे सुबह उतरती है, अभी रात को तो कैसे भी सो जाती है रोते रोते, ये भी बहुत रोड़ी होती है कि आपको वापस सब कुछ सही करना है लेकिन वापस सब कुछ सही हो नहीं सकता, दिक्कत यही मैन है। अब जब वो नीचे सुबह उतरती है स्टेशन से तो पता चलता है कि भाई पुलिस वाले भी आ चुके हैं, जो तेजस के भेजे हुए लोग हैं, ये उसको बिठाते हैं गाड़ी में और जो बातें करते हैं ना खुद को बंगाली होने का दिखाते हैं, तो झनक को बिल्कुल शक होता है कि नहीं ये सच नहीं है, ये बंगाली हो नहीं सकते। लेकिन अब पुलिस वालों को भी पता है कि झनक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, इसको कुछ ना हो ना हो पता चल रहा है। अब ये तो उससे फ़ोन इधर उधर की बातें करके ले लेते हैं कि अगर आप फ़ोन नहीं देंगे तो आपको तेजस ट्रैक कर लेगा, आपको वो लेकर जा सकता है और सिक्योरिटी इशू है तो हमें फ़ोन चाहिए, फ़ोन ले लेते हैं। और बीच बीच में ना वो अनुरोध का नाम यूज कर रहे होते हैं ताकि
जाना को वो हर छोटी बात पे कन्विंस कर सके। अब यहाँ पे ना वो फ़ोन दे देती है तो इसे बहुत अजीब लगता है कि नया सिम डाल चुका है और कोई मुश्किल भी हुआ तो मुझे तो कोई नंबर भी याद नहीं है, मैं फ़ोन कैसे करूँगी। एक नंबर याद था वो अनिरुद्ध का, अब उसके अलावा कोई नंबर भी नहीं। अभी इन परेशानी और सच में ये धीरे धीरे इसकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती जाती है जब ये लेकर के इसको फाइनली तेजस के फार्म हाउस पे जाते हैं और वहाँ पे गुड़ू लोग एक साथ कई लोगों की जान खतरे में होती है। अब झाना का वहाँ जाना ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं है, ये पूरी प्लानिंग है तेजस की। तो वो गांव वाले जो तेजस के खिलाफ खड़े हुए थे और झाना का सपोर्ट करके अनिरुद्ध से शादी करवाए थे, वो उन लोगों को भी उठाता है कि आप लोग सच सच बताएं मुझे काफ़ी लेट हुआ, लेकिन एक इंसान है जिसने मेरी मदद की थी, वो बुढ़ऊ साला जो गया था कोलकाता, वो उसको बुलाता है, वो तो खैर बच जाता है, बाकी गांव वालों को मारने की पूरी प्लानिंग बना लेता है तेजस। और अब गांव वालों को जो उसके दोस्त रिश्तेदार भाई बहन जो भी लगते हैं रिश्ते में, वो उन सबको मारने के ये बोल देता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की, तुमने मेरा ये दबदबा कायम रहने नहीं दिया, तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि तुम्हें सबके सामने ये सारी बातों को एक्सेप्ट करना होगा कि तुम उसे शादी करना चाहते हो और जो तुमने किया पहली बार भाग करके वो तुम्हारी गलती थी और तुम उसे दोहराना नहीं चाहती। अब ये सारी बातें ना ये मीडिया के सामने बोलती एक्सेप्ट करती है तो ये सारी बातें धीरे धीरे वायरल होती जाती है और अब तेजस को दबदबा होने लगता है क्योंकि इलेक्शन है और अब लोग इसको वोट देने के लिए पूरे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स और इसका थोड़ा जो मिक्सचर है ना, वो धमाकेदार वाला बवाल, वो अनिरुद्ध के पास पहुंच जाता है और अनिरुद्ध अब जब ये सारी चीज़ें देखता है तो उससे समझ में आता है कि झनक बहुत बड़ी मुसीबत में है। हो ना हो जिस पुलिस वालों के साथ ये गई थी वो सच में बहुत हरामी थे, बाद में पुलिस वाले बता देते हैं। और ओरिजिनल पुलिस वाले जो स्टेशन पे गए थे उसको लेने के लिए, वो लोग भी यहाँ पे होते हैं लोग, और जब देखते हैं लोग, अरे ये तो वही झनक रहना है जिसको हम वहाँ स्टेशन पे गए थे लोग, और ये यहाँ पे। अब ये सारी बातें बहुत अजीब होती है, अनिरुद्ध को पता चलने के बाद वो भी डायरेक्ट निकल जाता है। लेकिन गुरु लोग अब एक पॉलिटिकल जो एक तमाशा होता है ना वो देखने को मिलेगा, वो फाइट सीक्वेंस भी होगी, तो एक साथ में जहाँ 100 लोग खड़े होंगे वहाँ अकेला ही ये अनिरुद्ध। अब इसमें कौन जीतेगा कौन हारे ये तो आने वाले स्टोरी लाइन के प्लॉट होंगे। लेकिन गुरु लोग इतना कह सकते हैं कि अगर तेजस के साम्राज्य को खत्म करना है तो अनिरुद्ध को अपनी जी जान लगाना होगा। और तुम ये कह लो कि भाई अब एक नए क्रिएटर की एंट्री भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। हाँ ये सॉर नहीं कि भाई वो लड़का होगी कि लड़की होगी, लेकिन इतना कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं जाना की फैमिली से ही कोई होगा, मतलब वो गुरुजी का घर का कोई आस पड़ोस या फिर कह लो कि गुरुजी का कोई दुश्मन, ऐसा कोई वो कुछ हो सकता है। तो ये कैरेक्टर जो होगा ना वो दमदार होगा, लेकिन मेल होगी या फीमेल होगी ये चीज़ें अभी इसका कोई किसी के पास में नहीं है, तो अभी फिलहाल ये आने वाले प्लॉट्स में ही देखने को मिलेंगे। खैर एक्स्ट्रा वेटर्स इसके आने वाले हैं जो फाइट सीक्वेंस के प्रोमो के हैं, तो बातें होगी उस पर विस्तार से कि अब क्या तमाशा होगा, क्योंकि अब लड़ाई ये आमने सामने की है और अपनी पत्नी को बचा करके यहाँ से ले जाने की है। शादी हो चुकी है तो ये मीडिया वालों के सामने ये एक्सेप्ट करेगा कि हाँ जानक रैना मेरी पत्नी है और तेजस उसको किडनैप करके ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, तो तमाशा होगा क्योंकि कहीं भी तलाक नहीं हुआ है शादी करने के बाद में, गाँव वाले सबूत के रूप में अभी भी हैं और इसका पूरा फायदा अनिरुद्ध को मिलेगा यार। तो मजा गुरु लोग भर भर के आने वाला है, उम्मीद है कि आने वाला एपिसोड और ज़्यादा मज़ेदार हो, ताकि विस्तार से बातें होगी तो बवाल तो होगा ना।